हेलो एंड वेलकम टू के एस जी न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स। देश और दुनिया की वो खबरें जो आपके एग्जाम की तैयारियों से जुड़ी हुई हैं। लद्दाख में मीठे खारे पानी की आपस में जुड़ी दो झीलें वेटलैंड घोषित, देश की 42वीं रामसर साइट। लद्दाख के चांगथंग स्थित आपस में जुड़ी दो झीलों को वेटलैंड घोषित किया गया है। इनकी खासियत यह है कि तारतासपुक त्सो झील का पानी मीठा है जबकि त्सोकर का पानी खारा है। इसी के साथ ये झीलें देश की 42वीं रामसर साइट बन गई है। तारतासपुक त्सो का क्षेत्र 438 हेक्टेयर में फैला है। इसके उत्तर में त्सोकर है जो 1800 हेक्टेयर में है। खास बात यह भी है कि त्सोकर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित जलीय क्षेत्र है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में वेटलैंड की संख्या 42 हो गई है। ये संख्या दक्षिण एशिया में भारत में सर्वाधिक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 24 दिसंबर 2020 को सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी। द त्सोकर बेसिन इज एन A1 कैटेगरी इंपोर्टेंट बर्ड एरिया दैट इज IBAS पर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एंड अ की स्टेजिंग साइट इन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। त्सो मोरिरी और लेक मोरिरी और माउंटेन लेक इज अ लेक इन द चांगथंग प्लाचू इन लद्दाख। इट वॉज नोटिफाइड इन ईयर 2002 अंडर द लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड साइट्स अंडर द रामसर कन्वेंशन। आपको मालूम हो कि पिछले माह महाराष्ट्र की लोनार झील और आगरा की सुर सरोवर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। आखिर होता क्या है वेटलैंड, ये समझते हैं। ये ऐसा भूभाग होता है जहाँ हर समय पानी रहता है, इसमें पक्षियों का बसेरा रहता है और जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है। 2 फरवरी 1971 में जलीय जीवों और पक्षियों के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर शहर में रामसर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्र सरकार ने कोविन के लिए शुरू किया ग्रैंड चैलेंज, विजेता को मिलेगा इनाम। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कोविन के लॉन्च की घोषणा की है। केंद्र ने कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी कोविन सिस्टम को मजबूत करने के लिए ग्रैंड चैलेंज शुरू करने की घोषणा की है। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कोविन सिस्टम इज अ डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म टू बी यूज्ड टू इफेक्टिवली रोल आउट द स्केल अप द मैकेनिज्म फॉर कोविड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेशनली। विजेताओं को कुल पुरस्कार 3.85 करोड़ का दिया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और प्रतिभागी 15 जनवरी 2021 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को ग्रैंड चैलेंज के लिए आमंत्रित किया जा रहा है ताकि भारत भर में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म को और मजबूत किया जाए। अब यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी एक खबर की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इस साल अपने 75 साल पूरे किए हैं। उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के सबसे बड़े संकट का सामना किया है। कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ने के लिए ग्लोबल रिस्पॉन्स को दिशा दी गई, जिसमें भारत ने भी आगे रहकर मोर्चा संभाला और 150 से ज्यादा कंट्रीज तक हेल्प पहुंचाई है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज ने कहा, पैंडेमिक पांचवा बड़ा खतरा है जिसने 4 अन्य खतरे को और बढ़ा दिया है। इनमें बीते कुछ सालों में हाईएस्ट ग्लोबल जियो स्ट्रेटेजिक टेंशंस, अस्तित्व को खतरे में डालने वाला क्लाइमेट क्राइसिस, ग्रोइंग ग्लोबल मिस्ट्रस्ट और डार्क साइड ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड है। यूनाइटेड नेशंस के रिस्पॉन्स की बात करते हैं। द यूनाइटेड नेशंस डिस्क्राइब्ड द कोविड-19 पैंडेमिक एज द ग्रेटेस्ट क्राइसिस ऑफ आर एज। कोविड-19 पैंडेमिक ने दुनिया को हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस में डाल दिया है। इस तरह का संकट एक सदी में नहीं देखा गया। यूएन ने कहा कि हम महामंदी के बाद एक साथ ऐतिहासिक स्वास्थ्य संकट, सबसे बड़ी आर्थिक आपदा और नौकरियों के जाने से इस तरह के खतरे से जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि महामारी ने दशकों की प्रगति खत्म कर दी है। संयुक्त राष्ट्र ने महामारी से लड़ने के लिए वैश्विक कार्रवाई की दिशा में काम किया। दुनिया के सामने इस अभूतपूर्व संकट के समय भारत ने भी आगे रहकर मोर्चा संभाल लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में महासभा के अब तक के पहले डिजिटल उच्च स्तरीय सत्र में अपने संबोधन में वैश्विक समुदाय को आश्वासन दिया है कि दुनिया के सबसे बड़े टीका निर्माता देश के नाते भारत का टीका उत्पादन और आपूर्ति क्षमता का इस्तेमाल इस संकट से लड़ने में समस्त मानव जाति की मदद के लिए किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने PTI भाषण से कहा है, कोविड-19 संकट के दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए भारत ने समय रहते दुनिया भर के देशों से संपर्क साधा और 150 से ज्यादा देशों की सहायता की। भारत दुनिया भर के टीकों का 60% उत्पादन करता है। दुनिया की फार्मेसी की पहचान रखने वाला ये देश अनेक कोविड-19 टीकों के विकास की प्रक्रिया के साथ युद्ध स्तर पर महामारी से निपटने की तैयारी में है। आइए भारत की स्थिति की बात करते हैं। भारत में कोवैक्सीन और जाइकोव डी का दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। वहीं टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके कोविशील्ड का अंतिम परीक्षण चल रहा है। भारत ने GAV को
15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का भी वादा किया है और 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के इनिशियल कंट्रीब्यूशन के साथ सार्क कोविड 19 इमरजेंसी फंड को ऑपरेशनलाइज किया है। इंडिया हाउएवर क्वेश्चन वेयर द यूएस इफेक्टिव रिस्पॉन्स वॉज एज द वर्ल्ड बैटल द पैनडेमिक। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया कि महामारी ने ग्लोबल कोऑपरेशन और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में मौजूदा अंतरालों को उजागर कर दिया है और तत्काल सुधार की जरूरत भी है। भारत 1 जनवरी 2021 से 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू करने जा रहा है और ऐसे में उसने ग्लोबल टेररिज्म पर प्रभावी कार्रवाई और शांति एवं सुरक्षा के लिए व्यापक प्रयासों को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। त्रिमूर्ति ने कहा कि सुरक्षा परिषद में भारत की उपस्थिति ऐसे समय में भी जरूरी है जब P5 देशों में ही और अन्य देशों के बीच भी गहरे मतभेद हैं। संयुक्त राष्ट्र में सामंजस्य की कमी दिखाई दे रही है और हमें आशा है कि सभी सदस्य देशों की प्राथमिकता वाले मुद्दों पर ध्यान देकर इस तालमेल को लौटाया जा सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी, फर्स्ट बायलेटरल राइस डील विद बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत की निफिट से 150,000 टन चावल की खरीद को अंतिम रूप दे रहा है। ये बांग्लादेश में बाढ़ के बाद स्थानीय कीमतों में रिकॉर्ड उछाल के बाद 3 साल में पहली ऐसी बायलेटरल डील होगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है। बंपर फसल के बाद अपने सरप्लस में कटौती करने के लिए अपने प्रतिद्वंदी थाईलैंड और वियतनाम से आपूर्ति के लिए भारी छूट दे रहा है। इस खबर से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिए। इंडिया कुड सेल पैरा बॉइल्ड राइस एट अराउंड $407 एंड व्हाइट राइस एट अराउंड $417 पर टन ऑन अ कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट CIF लाइनर आउट बेसिस एंड इंडियन गवर्नमेंट सोर्स सेट। रेट्स थाईलैंड और वियतनाम के लोगों की तुलना में लगभग 1/3 सस्ती है। द एंटायर शिपमेंट इज लाइकली टू बी मेड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर फ्रॉम द हल्दिया पोर्ट इन इंडियाज ईस्टर्न स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल विच बॉर्डर्स बांग्लादेश। लगभग 35 मिलियन टन के उत्पादन के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक बांग्लादेश समय समय पर बाढ़ या सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली कमी से निपटने के लिए समय समय पर आयात पर निर्भर रहता है। वी हैव सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। नेफेड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। नेफेड वॉज सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू बेनिफिट द फार्मर्स। एग्रीकल्चरल फार्मर्स आर द मेन मेंबर्स ऑफ नेफेड हु हैव द अथॉरिटी टू से इन द फॉर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ द जनरल बॉडी इन द वर्किंग ऑफ नेफेड। अगली खबर का रुख करते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट ने 24 दिसंबर को घोषणा की कि नए साल से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया जा रहा है। फास्टैग को 2016 में लॉन्च किया गया था। मंत्रालय ने इस साल नवंबर में एक अधिसूचना जारी कर 1 जनवरी 2021 से पुरानी गाड़ियों में भी यानी 1 दिसंबर 2017 से पहले बेची जाने वाली फोर व्हीलर्स की CMVR 1989 में संशोधन कर फास्टैग को जरूरी कर दिया है। 1 दिसंबर 2017 से सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के अनुसार फास्टैग को नए 4-पहिया वाहनों के सभी पंजीकरण के लिए अनिवार्य कर दिया गया था और व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स और उनके डीलरों द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। यह अनिवार्य किया गया था कि परिवहन वाहनों के लिए फास्टैग लगे होने के बाद ही फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल किया जाएगा। नेशनल परमिट व्हीकल्स के लिए फास्टैग का फिट होना 1 अक्टूबर 2019 से अनिवार्य था। यह भी अनिवार्य किया गया है कि फॉर्म 51 जो बीमा का प्रमाण पत्र है इसमें संशोधन के माध्यम से नया थर्ड पार्टी बीमा प्राप्त कराते समय एक वैध फास्टैग लगवाएं। ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम होगा कि केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से टोल प्लाजा पर शुल्क का भुगतान 100% हो जाए और वाहन शुल्क प्लाजा के माध्यम से निर्बाध रूप से गुजरे। एक प्लाजा पर कोई प्रतीक्षा समय नहीं होगा और इससे ईंधन की भी बचत होगी। अगली खबर का रुख करते हैं। मोबाइल ऐप के जरिए तलाशे जाएंगे सिर पर मैला ढोने वाले। देश में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान के तहत शौचालयों के निर्माण के बावजूद सिर पर मैला ढोने के लिए मजबूर सफाई कर्मियों को तलाश कर उन्हें जियो टैग किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक मोबाइल ऐप तैयार करवाया है। यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत ने 24 दिसंबर 2020 को स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए गंदे और बदहाल पड़े शौचालयों की पहचान और जियो टैग कराने का काम भी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने सभी नागरिकों से इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने की अपील की है। साथ ही कहा कि हर नागरिक इस ऐप के जरिए अपने संज्ञान में आने वाले अस्वच्छ शौचालय और सिर पर मैला ढोने वाले का ब्यौरा अधिकारियों को उपलब्ध करवा सकता है।
इससे सभी सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास और गंदे शौचालयों की जगह साफ शौचालय बनवाने में मदद मिलेगी। ये भी जान लीजिए कि जनगणना 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 26 लाख से ज्यादा गंदे शौचालय थे। गंदे शौचालयों की मौजूदगी ही सिर पर मैला ढोने की प्रथा का प्रमुख कारण है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 9 करोड़ से ज्यादा स्वच्छ शौचालय निर्मित हो चुके हैं। साल 2013-14 से अब तक 194 जिलों में राज्यों के सर्वे और नेशनल सर्वे में सिर पर मैला ढोने वाले 66,000 सफाई कर्मी चिन्हित हो चुके हैं। इनमें से 57,000 को बैंक खाते का ब्यौरा उपलब्ध करवाने पर 40,000 रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता भी दी जा चुकी है। साथ ही उन्हें और उनके परिवार को स्किल ट्रेनिंग के साथ 3,000 रुपए महीने का भत्ता भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें अपना काम शुरू करने के लिए कर्ज पर 3.25 लाख यानी 3.25 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी, JSA2 कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन। नेहरू युवा केंद्र संगठन यानी NYKS मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के सहयोग से नेशनल वाटर मिशन यानी NWM मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने JSA2 कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन शुरू किया है। नेहरू युवा केंद्र संगठन ने दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक पूरे देश में 623 जिलों को कवर करने का अभियान शुरू किया है। NWM has launched a campaign Catch the Rain with tagline Catch the Rain Where It Falls When It Falls in order to nudge all stakeholders to create rain water harvesting structures RWHS to store rainwater as rain falling in the 4-5 months of monsoon are the only source of water for most parts of the country. KSG News for Aspirants में आज के लिए इतना ही। UPSC सिविल सर्विस एग्जाम के लिए अपनी तैयारियां जोर शोर से करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।